आरोप लगता है आपके भाइयों पर कि वो एक जिम ट्रेनर से हफ्ता मांगने लगे और नहीं दिया गया तो अभद्रता की टॉकर में पचास हजार रुपए रखे हुए थे उसे लूट ले गए जिम में मौजूद उस समय दूसरी महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई तेजाब डालने की भी धमकी दी गई सही क्या हुआ था आपके समर्थकों और गनर ने हैलेट अस्पताल और मेडिकल कॉलेज वहां पे एक डॉक्टर को पीट दिया सरकार आपकी क्या हाजी इरफान सोलंकी उनके समर्थक उनके साथ में काम करने वाले लोग हॉस्टल में घुसे थे उस बिल्कुल एक वीडियो आप मेरा दिखा दीजिए आपके समर्थक गए थे एक वीडियो दिखा दीजिए समर्थक गए आप एक वीडियो आप दिखा। 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 आप नहीं एक वीडियो दिखा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसने वृद्ध को लेकर गए थे आपने कहा था कि मुझे भी चोटें आई हैं जी आई मैंने आपको पूछा गया कि आप चोट कहां लगी है ना आप बैंडेज दिखा सके ना आप वहां पे ना टाका दिखा सके ना शेव्ड हेड दिखा सके आपको फोटो दिखा सकते हैं नमस्ते मेरा नाम सिद्धांत है और दी लन टॉप की यात्रा में इस समय हम कानपुर में हैं कानपुर में कुछ सीटों पे इक्वेशंस बड़े रोचक हैं और कैंडिडेट्स भी बहुत रोचक हैं और उनमें से एक सी उनमें से एक सीट है शीसा मऊ जिसके सिटिंग एम और इस बार फिर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर आ, अपना कंटे, अपना कैंडिडेटचर पेश कर रहे हैं हाजी इरफान सोलंकी धन्यवाद बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया

और कुछ सीधा जैसे जन्नल उन्होंने खत्म करके उसको आर नगर में इन्वॉल्व कर दिया ऐसे ही सीसा पहले समान रिजर्व सीट थी 2012 में ये समान सीट हुई है तो 2012 से बारह हम अलमदुल्लासा से विधायक हैं उससे पहले जब मेरे वालिद का इंतजार हुआ था 2006 में तो ये जनरल इलेक्शन हुआ था जिसमें बहन जी की सरकार बनी थी 2007 में तो उसमें हम आर नगर से विधायक बने थे मेरे पिताजी दो बार आनगर हुआ था नहीं नहीं भाई को जनरल इलेक्शन हुआ था जनरेशन हुआ था 2007 का क्योंकि मेरे पिताजी 2006 में इंतकाल हुआ था जनरल इलेक्शन जनरल अच्छा असेंबली इलेक्शन असेंबली जनरल आप मुझे लगा जनरल इलेक्शन नहीं 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 जनरल असेंबली 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 हुआ था 2007 में जिसमें बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी तो उसमें हम जीते थे आर नगर से फिर 2012 में परसिमन बदल गया लागू हो गया तो ये सीसम वो विधानसभा जो थी वो समान सीट हो गई इससे पहले ये रिजर्व सीट थी यहाँ पे संजीव दरियाबादी जी थे और तमाम जो रिजर्व उसमें आते थे माननीय विधायक जी तो उनसे वो सीट फिर रिजर्व समान में आई जी चलिए और पिताजी के साथ ही राजनीति शुरू हुई की कहानी क्या कुछ और है नहीं देखिए पिताजी के साथ तो नहीं राजनीति शुरू हुई हाँ पिताजी के साथ ही बनाती रहे जैसे आपके कैमरे मैन है वो पर्दे के पीछे रहते हैं हम लोग पर्दे के आगे हैं तो ऐसे हम लोग भी पर्दे के पीछे रहते थे बड़े थे मेरे वालिद की तरह थे हम सब लोग मेरे भाई चाचा और जो भी कार्यकर्ता वो नीचे खड़े होके एक मॉडल सपोर्ट देने के लिए एक्चुअली हम 2003 में शादी हुई मेरी 2006 में जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ 2 जून को तो तीन मई को मेरे बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम मुस्तफ़ा है मेरे पिताजी ने उनका नाम रखा खैर इतनी जल्दी एक हफ्ते के अंदर ही मेरे वालिद बीमार हुए और एक ही हफ़्ते के अंदर अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए मर्ज पकड़ में नहीं आया खैर मौत तो भाने ढूंढती है अल्लाह ताला को उनको बुलाना था वो अल्लाह अल्लाह ताला के पास चले गए हम सबको जाना एक दिन इस दुनिया से अपने अपना समय पूरा करेंगे और फिर मौत हावी हो जाती है और हमें अपने साथ लेके चली जाती है फिर 2007 में हमारे यूपी का जनरल इलेक्शन हुआ उसमें हम लोग जीते और आज अलहमदिल्ला मतलब वैसे देखा जाए तो हम लोगों ने छियानवे से नाइन्टी में मेरे पिताजी पहली बार विधायक बने थे नगर से हम लोग तेईस सौ से जीते थे उस समय जो मौजूदा सांसद हैं कानपुर से सत्य हम लोग सौ से हराया था फिर दूसरा चुनाव हुआ था दो, हजार, आ, दो हजार दो में क्योंकि फिर आपको याद होगा दो हजार एक में जब तेज हमला हुआ था तो उस उसी दिन उसी दिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने तमाम विधायकों को, को इस्तीफा दिलवा दिया था और फिर राष्ट्रपति शासन लगे थे जब राजनाथ सिंह जी के मुख्यमंत्री थे तो फिर छह महीने उत्तर गया और दो दो में चुनाव हुआ फिर उसमें हम लोग जीते तेईस हज़ार वोट से फिर हमारा वालिद का फिर हमारी सरकार बन गई नेताजी माने मुलायम सिंह यादव जी 2003 में मुख्यमंत्री बने 2006 में फिर वालिद का इंतकाल हुआ 2007 से फिर पहला चुनाव जब 2007 का हुआ उसमें हम लोग विधायक बने हमें वोट मिला छत्तीस हजार दो हजार सात में दो का चुनाव हुआ उसमें हमें मिले छप्पन वोट दो सत्रह का चुनाव हुआ उसमें हमें मिले लगभग चौहत्तर हजार वोट तो अलहमदुल्ला जनता के बीच में रहते हैं जनता का साथ है। आपके जीत का हजार का मार्जिन ही रहता है मतलब में 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 इसलिए था कि लड़ी लड़ी नहीं नहीं, 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 नहीं।, नहीं थी नहीं थी और मोदी जी की रहर थी योगी जी की नहीं थी हम आपके और आपके दर्शकों को बताते हैं उस समय योगी जी का तो चेहरा भी नहीं था तो ऊपर वाला कब किसको क्या दे दे आप इस पर कोई नहीं कर सकते अल्लाह करे आप कल बीबीसी और न जाने कौन से चैनल में जाए ये ऊपर और आपको और तरक्की ले जाए अरे नहीं नहीं कुछ हाँ नहीं, नहीं नहीं जो भी है वो देखिए हम के कानपुर के बन जाए, बने, हर चाहता है कि हम तरक्की करें तो अब वो उसमें हुआ मोदी जी की रहर थी तो उसमें नहीं। भी नहीं। मैं बधाई देता हूँ सीसा मोह की जनता को सेकुलर सोच की जनता को कि जिन्होंने हमारा साथ उस समय भी पकड़ के रखा और उस मालिक का एहसान है की एक लंबे मार्जिन छिहत्तर हजार वोट पाना मोदी जी की समय में इस और हमने उसको possible करके दिखाया। जी, पिताजी के बारे में बातचीत कर रहे हैं कुछ लोग बताते हैं कि पिताजी के बारे में किस्सा बड़ा फेमस है पिताजी विधायक थे मुलायम सिंह यादव आए हुए थे और आपके पिताजी हाजी मुश्ताक सोलंकी जिनका नाम वो रैली में गए नहीं थे और रैली के मंच से मुलायम सिंह यादव ने कहा था कानपुर का चांद नजर नहीं आ रहा है शहर का चांद कहाँ है भाई जी और उसके बाद आपके पापा से मिलने घर आए घर आए थे जी सही घटना ऐसा है कि आप अगर अपने नेता के लिए अपने लीडरशिप जो हमारे नेता है माने मुलायम सिंह यादव जी माने अखिलेश जी अगर आप उनके लिए रॉयल हैं और उनको लगता है ये आदमी मेरे लिए मेरी पार्टी के लिए जान दे रहा है अपने क्षेत्र में और हमारे क्षेत्र की वजह से और जगह हमारा नाम हो रहा है तो वो आपको जो लीडर अपीसीड करते हैं अब जैसे ही ऐसे एक उदाहरण और मेरे पिताजी का जब निधन हुआ मान मुलायम सिंह जी अगले दिन आए और उन्होंने ये बात कही कि इस समय जो माहौल था कि अगर यूपी में कोई बड़ा नेता भी होता अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे ऐसा कहा कि अगर उसका निधन हो जाता तो शायद इतनी भीड़ ना होती जितना बेटा तुम्हारे पिताजी के ये एक एपिसोड और आज भी मैं फक्र से कह सकता हूँ कि जो लोग कहते हैं शायद आप भी लोगों से मिलेंगे तो कहेगा कि शायद मोहम्मद रफी साहब जो एक बहुत अच्छे सिंगर थे अल्लाह ताला उनकी भी अपनाए उनके बाद अगर कोई जनाजा देखने को मिला है तो हमारे मरहूम वालिद का और यही मुझे अचीव करना मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ अच्छा लगेगा आपको कि दो हजार छः में जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ दो जून का दिन था जुमे का दिन था साढ़े बारह बजे तो मैं जब पहुंचा पहुँचा सरगंगाराम में उनकी आखिरी सांस ली तो मुझे ये लगा यार राजनीति बहुत अच्छी चीज़ नहीं है सैतान जस्ट फोर्ती सेवन ही वॉज जस्ट फोर्ती सेवन और राजनीति में क्योंकि आप लापरवाह हो जाते हैं हर जगह आपको खाना पीना उनको शुगर बहुत थी अब आदमी अब मान रखने के लिए मिठाई खिलाता है वो हैजा कल्चर कि अब सम्मान देने के लिए बात वो नहीं है कि आपको सम्मान देने के लिए आदमी को दिल भी रखना होता है खाया अब नहीं यार राजनीति में नहीं आएंगे राजनीति गंदी चीज़ है ये मेरी दिल्ली की सोच थी अब दिल्ली से उनका जनाजा लेके पार्थिव शरीर लेके हम कानपुर आए सुबह तीन बजे तक पहुंच गए ये 2006 हज़ार छः की बात है उस समय इतने अच्छे रास्ते भी नहीं हुआ करते थे फिर सुबह पाँच बजे हमने उनको घुसल दिया जो हमारे रीति रिवाज है जैसे जनाजे की तैयारी करी फिर हमने जब उनके जनाजे को बाहर रखा पब्लिक दर्शन के लिए और जब लाखों लाख आदमी उनके दर्शन के लिए आया और वो कंधा जो अर्थी के चार कंधे होते हैं तो उसमें हम हमारे पिताजी को चारों तरफ से कंधा भी नहीं दे पाए तो एहसास हुआ यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए और मौत उसकी जिसका जमाना करे अफसोस अगर हमारे मरने के बाद कोई आदमी हमारे लिए रो रहा है तो यकीन हमने कुछ करके गए वरना आज आदमी मरता है कल आदमी भूल जाता है तो फिर उस दिन हमने ये सोचा कि नहीं राजनीति में अगर आके लोगों के दिलों पे राज कराए तो लोग ऐसे ही आपको विदाई देते हैं आखिरी समय के कहते हैं हाँ मेरा मेरा महान आदमी के के जो, जो एक दिल से रिस्पेद होती है वो हमारे पिताजी के पार्थिव शरीर के सामने खड़े होकर उन्होंने दुआएं प्रार्थना करी तो ये लगता है कि हाँ कुछ बोया है और कुछ काटने का मौका है और यहाँ पे जब मैं बातचीत कर रहा था कानपुर में लोगों से तो कानपुर में तमाम लोग बता रहे हैं कि हाजी सोलंकी से मिलिएगा तो थोड़ा सा बच बचा के रहिएगा बहुत गुस्सैल आदमी है जी, ये भी कहते हैं लोग आ, आपके बारे आ, में और बहुत सारी घटनाओं की फेहरिस्त लेकर आते हैं जी, जी, और फिर बोलते हैं कि पूछ लीजिएगा कि विधान भवन में नमाज के लिए कमरा क्यों चाहिए उनको आ, जी तो पहले कौन से सवाल का जवाब नमाज पहले कमरा क्यों चाहिए बाकी घटना है तो धीरे धीरे बात करेंगे नहीं, नहीं सब पे। पहले हम गुस्से वाला बताते हैं देखिए ऐसा है गुस्से गुस्से सुनिए एक आ, पे बात कर लेंगे गुस्से वाली बहुत सारी घटनाएं हैं है बात कर लेंगे नमाज पे कमरा बात करेंगे बातचीत होती रहेगी नहीं तो नमाज के कमरे की जो बात आपने कही नमाज रूम और मस्जिद ये दोनों में बहुत फर्क है और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने इस सवाल को पूछा हो सकता है आपके चैनल के द्वारा लोग हमारी बात को समझ पाए मिजगैद थे कंफ्यूज में थे कि एक्चुअली विधायक क्या कह रहा है धन्यवाद आपका मस्जिद एक परमानेंट जिगा होता है जैसे एक मंदिर परमानेंट जगह होता है वहाँ हमेशा बने रहते हैं कोई भी आदमी कब भी जाए वहाँ जाके कर सकता है हुआ ऐसा कि जो नमाज रूम हमें वहाँ पे एक जानवाज़ या एक एक मैच जिसको आप कहते हैं वो हो और वहाँ पे हम जाके अगर दो मिलत के लिए क्योंकि एक टाइम फिक्स है हमारा सुबह हमारी छः बजे एक नमाज होती है एक एक बजे होती है एक चार पाँच बजे है गर्मी सर्दी के हिसाब से टाइम बढ़ता रहता है तो अगर वो होती तो अब जैसे हम लोग विपक्ष में थे विपक्ष में आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जब अध्यक्ष जी आपका नाम बुलाते हैं जब आपका क्वेश्चन होता नाम बुलाते हैं कि इरफान सोलंकी अमिताभ वाजपेयी एस वाई जैन जो भी नाम लेते हैं अगर वो सदस्य उस समय हाउस में मौजूद नहीं है पथ उसी समय तय तो वो क्वेश्चन

भाई हमें मालूम है हम पत्थर की मूरत से क्या वफा की उम्मीद करेंगे पत्थर की मूरत से आप क्या वफा की उम्मीद करेंगे भाई अगर और नमाज रूम तो भाई हमारा हाउस तो पहली बात तो इन्होंने आप पूरा इतिहास देख लेंगे तो पांच साल में अब तक पांच साल में जितनी विधानसभा के हाउस यानी सदन होना चाहिए सबसे कम योगी जी ने हाउस चलाए वो तो बुलाते ही नहीं थे हाउस वो तो संविधान है कि इतना कम से कम छह महीने में एक बार तो आपको हाउस बुलाना ही बुलाना है जो संविधान हमारा अधिकार है तो इसमें बाउंड वो दो दिन तीन दिन तीन के लिए बुला लेते थे तो ये एक बात थी भाई देखिए ऐसा है कि आप भी कभी कभी अपने ऑफिस जाते हैं या आपके कैमरे मैन है या आपके मेरा भी ड्राइवर है कभी मुझे राय दे देते दे तो क्या उसका अधिकार नहीं है तो मेरा अधिकार नहीं क्या मैं एम एल नहीं हूँ क्या मैं सदस्य नहीं हूँ हमारी विधानसभा का और इसी समय कुछ लोग कहते हैं कि हाजी इरफान सोलंकी मुस्लिम परस्त पॉलिटिक्स कर रहे हैं कानपुर में शीशा मुह जो विधानसभा है उनकी उसमें एक बहुत बड़ा चंक मुस्लिम समुदाय का है लगभग के आसपास है कहते हैं। आ, और... कहते हैं हैं और ये आपको मालूम है आप बताइए नहीं दो सवाल हो गए ना कहते हैं तो मेरे और... पास देखिए मेरे पास जो मुझे रिसर्च मिली है वो मुझे चालीस का दावा करती है देखिए आपको बता दें शीशामू के पहले वो बता दी क्या है बता देना हाँ। वही वही बता रहे दो लाख अस्सी मतदाता है टोटल मुसलमान दो, दो लाख हिंदू भाई है ठीक है तो कितने परसेंट होगा चलिए ठीक है आपकी बात मान गए पचास परसेंट से थोड़ा सा कम पचास परसेंट पचास परसेंट से कम बोल रहा हूँ मैं दो लाख चालीस हजार मतदाता है दो लाख अस्सी हजार दो लाख अस्सी हजार मतदाता जी और उसमें से अस्सी हजार मुसलमान मुसलमान ठीक है दो लाखी परसेंट कितना हुआ ठीक ठीक है थीक है मैं लाख उसके जी, उसके कैलकुलेशन में थोड़ा उल्लेख किया जी, था चलिए तो आपके हिसाब चालीस परसेंट नहीं है 33 के आसपास है और लेकिन आप पर आरोप है कि आप मुस्लिम परस्त पॉलिटिक्स कर रहे हैं जी भाई देखिए मुस्लिम परस राजनीति अगर कर रहे होते तो ये जो हमारी विधानसभा की जनता मैं एक बहुत अच्छी बात कहूंगा अपनी बात कहने से पहले एक कहावत आपने सुनी होगी उल्लू सीधा हो गया सुने होगी पर आदमी मैं आज, आज मेरा उल्लू सीधा हो गया मेरा काम बन गया तो ये बीजेपी वालों ने मोदी जी को जब लाए तो 2000 इससे पहले चुनाव हुआ दो तो इनके जो बैक टू बैक चुनाव हुए हैं हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो इन्होंने जनता को पहले बताया कि हमारा पंद्रह लाख देंगे ये देंगे वो देंगे फिर इस बार उन्होंने फिर ये कहा तो हम अगर जनता से झूठ बोलते हिंदू भाइयों को बहकाते आपने कहा ना मुस्लिम परस्त तो आपका इसका मतलब हमने दूसरी कौम को धोखा दिया अगर एक के साथ आ रहे हैं तो दूसरे के साथ मिस गाइड कर रहे नहीं नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैंने कहा कि आप मुस्लिम पॉलिटिक्स मैं ये कहा कहा, कि आप आप दूसरी को धोखा दिया नहीं आप, मैंने भाई आप नहीं नहीं, कहा नहीं।, कहा नहीं पर मतलब तो यही है अगर नहीं, हम... नहीं, मगर ऐसा मतलब निकला तो मैं माफी मांगता हूँ लेकिन मेरा मतलब भी वो नहीं था हाँ माफी ना मांगे भाई देखिए हम अगर मुस्लिम परस्त होंगे तो लाजमी हम हिंदू भाइयों का काम नहीं करते होंगे मेरी प्योरती मुसलमान भाई होंगे तो वो ये बात छुपेगी नहीं आपकी एक्टिविटी अब तो आप हाईटेक जमाने में है आप कुछ भी करेंगे आप कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे उससे पहले चीज वायरल हो जाएगी उससे पहले चीज वायरल हो जाएगी कि यार जी ने ये कहा है तो अगर हम ये होते तो आज 25 साल से देश के गृह मंत्री जी को क्यों जमीन पे उतरना पड़ा इस शीशा मऊ विधानसभा को बचाने के लिए अपनी नाक बचाने के लिए देश के गृह मंत्री प्रियंका जी गांधी आज हमारी विधानसभा में रोड शो कर रही है आईएमएम के वो ओसी साहब क्यों आपकी विधानसभा में आके प्रचार कर रहे हैं उनको मालूम ये विधानसभा ऐसी विधानसभा जहां हिंदू मुसलमान साथ चलता है और इस विधानसभा को जिताने का काम करता है अचीवमेंट विजय मेक जी मैं यूपी घूम रहा हूं जी? और यूपी में कई इलाकों में जाना हुआ तो मुस्लिमों से जब बात होती है मुस्लिम समुदाय से बात होती है जी? तो वो स्वतः एक बाइनरी ड्रॉ करते हैं ओ एस को लेकर और आप सपा के कुछ बड़े मुसलमान नेताओं में से एक जी, हैं अलहमदिल्ला आप क्या सोचते हैं ओ वैसी के बारे में देखिए उनकी पूरी पॉलिटिक्स देखिए ऐसा है कि एक टाइम था 2012 में राहुल गांधी जी आए थे रथ लेके और 2012 का चुनाव जब हम लड़ रहे थे तो हलीम काली जी मैं चाहूँगा कि आप जाइएगा वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री यानी मनमोहन सिंह जी का हेलीकॉप्टर उतरा था दरियाबादी जी और तमाम लोग जो चुनाव लड़ रहे थे वहीं पे प्रधानमंत्री जी भी आए थे फिर राजू गांधी राहुल गांधी जी का रोड शो भी हुआ जन शराब उतरा राहुल गांधी जी का क्रेज था नए चेहरे थे लोग देखना चाहते थे अच्छे मन चले गए वोट नहीं मिला फिर दो के चुनाव में ओसी साहब आए थे उनका एक उम्मीदवार लड़ा था आर नगर से ओसी साहब आए थे लगभग बीस बाईस हजार आदमी आया था उनको देखने के लिए चांद क्रेस वोट कितने मिले थे हैं दो हजार बाईस हजार आदमी आया था देखने कन्वर्ट कितने हुए शाहरुख खान आ जाए अभी अभी शाहरुख खान आ जाए अमिताभ आ जाए या हमारे सचिन तेंदुलकर साहब आ जाए हम सब पहुंच जाए वी आर द फैन हम लोग फैन है उनके हम लोग पहुंच जाते हैं पर जब आती है हमें वोट देने, वो देने की बात तो हम लोग अपने वोट का वहां अधिकार समझते हैं जहां पे हमारा वोट ना बर्बाद हो और हमारा जो उम्मीदवार है उसको जितना फायदा हो सके हम उसको दे सके

उसमें कुछ लोगों ने उनको मारा पिता पत्रकार थे तो दैनिक जागरण आगे आया उस पत्रकार के सपोर्ट के लिए उन्होंने उस व्यक्ति के खिलाफ तीन सौ सात कम गया। जो भी था वो एज अ ओनर भाई आप आज ललन टॉप के लिए काम कर रहे हैं अल्लाह ना करे आपके साथ कोई बदतमीजी हो अगर आपका मैनेजमेंट आपके लिए खड़ा है तो आपका सीना चार गुना चौड़ा हो जाएगा कि हाँ यार मेरा मैनेजमेंट मेरे साथ खड़ा है हम उनके लिए आज भी आप यहाँ पे आए हैं सफर करके आए आपके बीवी बच्चे माँ बाप हैं आप उनके लिए अर्निंग कर रहे हैं है? और फिर अल्लाह ने कोई घटना हो आपका मैनेजमेंट आपके साथ है नहीं भैया सिद्धार्थ मैं आपके साथ हूँ आप अगर हक पे हो अगर आप हक पे हो आप सही हो तो मैं आपके साथ हूँ तो ऐसी मेरी विधानसभा में और ये जो पाँच मुकदमे मेरे ऊपर लिखे हैं कितना कैसे टोटल पाँच पाँच मैं आपको बता दू मैं बधाई देता हूँ मैं मेरा दिल नहीं कर रहा मैं आपको फाइव स्टार भी खिलाता तो फाइव स्टार खिलाते आ, नहीं अभी जिम है नहीं ना फाइव स्टार खिलाता कि आप अच्छी बातें आपका मुंह मीठा करते <laughs> कि अच्छा सवाल करा आपने पहला मुकदमा मेरे ऊपर लिखा था रितु महेश्वरी आईएएस ऑफिसर थी बिजली तो किसको की एमडी अब जून बिजली? 2011 है? आप जून 2011 आप अपने डेढ़ दर्जन समर्थ डेढ़ दर्जन समर्थकों के साथ उनके चैंबर में घुसे क्या नाम है मोहल्ले का जहां पे बिजली चोरी की एफआईआर की गई थी नेलपुर कैंद हाँ? मीरपुर मीरपुर कैंट कैंट जी, जी. और वहां पे आप मुकदमा किया गया था बिजली चोरी का हाँ. बिजली चोरी उस समय कानपुर में एक बहुत बड़ी घटना हुई हाँ. होती थी हाँ. और एक बहुत प्यारी डॉक्यूमेंट्री मतलब मैं अपने दर्शकों भी को भी कहूंगा अगर उन्होंने नहीं, नहीं हाँ. देखी है तो देखिए कटियाबाज नाम की एक डॉक्यूमेंट्री <laughs> है इस पे देखिए आपने अरे भाई आप हीरो <laughs> तो कटिया ज एक डॉक्यूमेंट्री है उसको जरूर देखिएगा मतलब कानपुर में बिजली चोरी का कितना बड़ा आ, कितना बड़ा एक प्रकरण हुआ करता था एक समय पे अब भी शायद होगा और उस पर एफ लिखी गई थी और आप एफ वापस करवाने ऋतु माहेश्वरी के चैंबर में घुसे थे और खुद एफ अपने ऊपर करवा के लौटे थे नहीं गलत इंफॉर्मेशन है आप क्या बता है बताइए तब सही आ, नहीं आपने पहले बहुत अच्छा करा बीच में हो गए क्या बताइए पहली बात तो ये जो मुकदमा जहाँ लिखा था वो आपकी विधानसभा का हिस्सा नहीं था सबसे पहली बात आप ये जान लें कि मैं जो विधायक था आर नगर का ये घटना हुई थी छावनी मीरपुर में जो कैन का हिस्सा है मेरे पास अभी आप आए हैं आप ललन ताप से हैं आप डीएम ऑफिस जाएंगे वहां उनके पीएम को बोलेंगे पीएम मतलब पीआरओ जो होता है कि भाई मैं ललन ताप से, से मिलना चाहता हूँ सुजात जी, जी तो उसके बाद उन्होंने अगर आप डीएम साहब का गेट खुलता है आप अंदर जाते हैं और साहब अगर के, आप से आपसे अपॉइंटमेंट फिंचता वहाँ वो ले उन्होंने, उन्होंने पहचाना आपको हैं। सुन भाई तो उनके प्यारों ने गेट खोला गेट नहीं। मैंने नहीं खोला था मैं जबरन दरवाजा खोल के अंदर नहीं घुस गया मुझे भी मालूम है मैं भी विधायक हूँ पढ़ा लिखा आदमी उसमें नहीं गेट खोला उसने कहा विधायक जी अंदर आइए अब हम अंदर चले गए उन्होंने कहा कौन है तुम चलो बाहर निकलो अरे मैम अब बा खुदा बाजान हो रही है मैंने कहा मैम मैं विधायक इरफान की कि यही बात कहीं चले बाहर निकले फिर बात करिए और अच्छा उसी समय सारे मीडिया सब अंदर आ गए घटना ये थी तो मेरे ऊपर जो मामला था मेरे घर की बिजली का नहीं था ये छेद की समस्या जो गुस्सा गया पहला एपिसोड ये समझ लीजिए ये तो पता है कि आपके ऊपर नहीं था आप आप जी। अपने जानने पहचानने वालों के उस... नहीं नहीं मेरी अजान हो रही आज दस साल बारह साल हो गए दूसर, भी नहीं है आज तक मैंने उनको देखा नहीं वो कौन थे जिनके लिए मुकदमे के लिए गया था फिर मामला हुआ फिर ये बात होगी वो देखिए मुकदमा क्यों लिखा ये भी जान लीजिए मुकदमा लिखाया था बहन जी के समय

चरण सिंह माफ करिएगा चौधरी हनमोहन सिंह जी का शायद बर्थडे था, था उनका बर्थडे था था तो उसमें केक आया। अच्छा, केक आया आया अच्छा वो तिरंगा बना अशोक का चक्र था तिरंगा जब तक पूरा नहीं होता जब तक अशोक का चक्र ना हो अभी तो ऐसे तो तिरंगा तो कांग्रेस का भी है झंडा उनका पर उसमें हाथ का पंजा बना हुआ है इसलिए आप उसको तिरंगे से नहीं कर सकते जब तक हमारे अशोक की लात यानी अशोक का चक्र उस तिरंगे में मौजूद नहीं है जब तक वो मुकम्बर तिरंगा नहीं कहलाए

कभी कभी ऐसा होता है कि जब समय खराब होता है तो ऊँच पर बैठे भी, भी आदमी को कुत्ता काट लेता है चलिए एक साल बाद चलते हैं मई 2012 नई नई अखिलेश यादव की सरकार आई थी अखिलेश यादव एकदम युवा सी के तौर पर सामने आए थे बहुत परिवर्तन का दावा था आपको विधानसभा में दूसरा टर्म मिला था आप थे फरीदाबाद में गाड़ी पे चढ़ी थी काली पन्नी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यार ये इलीगल है आपने आपके समर्थकों ने फरीदाबाद में पुलिस जो इसको लेकर ऑब्जेक्ट कर रही थी उनके साथ मारपीट की अखिलेश यादव और किसा के विधानसभा के विधायक पर पहला डेंट उस समय आया उनकी छवि पे कि प्रदेश अपराध मुक्त होगा और विधायक के ही समर्थकों ने मारपीट की क्या सच्चाई है अभी आप अभी कानपुर में हैं आपकी गाड़ी में फिल्म लगी हुई है लंदन दाब का तो जजमेंट कर रहे हैं आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट कोई कानून बना दे अभी कि आज से ये फिल्म नहीं लगेगी ये, ये वो आप सफ़र में तो आप सफ़र मुकम्मल करेंगे उसके बाद जाके आदनी सुप्रीम कोर्ट का फैसले को पालन करेंगे अब आप सफ़र में हम फरीदाबाद गए नहीं थे हम दिल्ली से कानपुर के लिए निकल रहे थे रास्ते में रोक लिया मैंने उनसे कहा कि भाई क्योंकि मुझे ये बात अभी आपके द्वारा पता चली है मुझे ये बात नहीं मालूम भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो वो तो आग की तरह फैल जाता है अब तो मुझे इल्म नहीं था। अच्छा वो अभी उतारो अच्छा फिर कुछ वो इसलिए भी चर्चा हुआ कि कुछ पत्रकार बंधु वहां खड़े थे और आपकी गाड़ी में विधायक का इस्तीफा लगा था और मेरे ही बगल से एक लाल बत्ती की गाड़ी उस समय लाल बत्ती का चरण भी था ये तो तो हाँ, अभी उस समय ठीक तो लाल बत्ती की गाड़ी बी से निकली तो मेरे आदमी ने कहा भाई आपने हमें रोका है विधायक का स्त्रीगर देख के सिर्फ अगर विधायक का स्त्रीगर ना हो तो आप ना रोकते और वो क्योंकि पत्रकार बंधु को न्यूज बनानी थी विधायक की फ्रीम उतारी वो पर मेरे आदमी कुछ एग्रेसिव हुआ आपने अगर पूरा वीडियो देखा होगा पूरा वीडियो तो हमने उस समय भी अपने आदमी को समझा के अंदर जाली में बताने की कोशिश करी और वो पुलिसकर्मी से कहा भाई मुझे नहीं मालूम है मैं जाके फिर ही बता दूंगा इतनी सी बात थी है। मतलब आप आपने अपने आदमियों आप आप को समझाने की किया नहीं वीडियो मौजूद है आ गंगन को आरती किया और पढ़े लिखे को फारसी किया सच को आंच नहीं सच परेशान हो सकता पर पराजित नहीं और एक घटना आपके घर से जुड़ी हुई है साल 2015 आपका आपके चाचा से कुछ दस करोड़ के लेकर विवाद था बहुत खबरें चली थी आपको और आपकी बहन को एक फैमिली फंक्शन में काफ़ी पीटा गया आपके चाचा द्वारा इस पर बात करना चाहेंगे क्योंकि तो ये खबर काफी काफी नहीं, चली नहीं, थी और सिटिंग एमएलए सरकार आपकी थी आपकी पार्टी की थी आप सिटिंग एमएलए थे और नहीं देखिए पीटा नहीं गया बात ऐसा था कि 2006 में जब मेरे मरहूम वालिद का इंतकाल हुआ और हमारा ज्वाइन बिजनेस था किस चीज का चमड़े हमारा चमड़ा ख़ानदानी काम है हम लोग सस्ती से ये काम कर रहे हैं जब से मेरे वालिद और फिर मेरे दादा दादा भेजभाग और आज भी कानपुर तो तेंदी की इंडस्ट्री के लिए मशहूर ही है चार सौ चार फैक्ट्री है यहाँ पे तो जॉइन बिजनेस था अब्बा का इंतकाल हुआ कहानी घर घर की हर एपिसोड एक ही होता है पर किरदार बदलते रहते हैं पर एट अगर आप देखेंगे तो एंड सबका एक ही होता है पैसों के लेके की विवाद भाई जब जैसे मान लीजिए हम अभी आज हैं हम किससे कारोबार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अभी मेरे बेटे को कुछ नहीं मालूम पर अल्लाह ने कर मेरी आंखें बंद होंगी तो मेरा बेटा जानने की कोशिश करेगा कि मेरे पिताजी का कहाँ कहाँ पैसा है क्या है क्या नहीं भाई जीने के लिए वो भी एक बहुत बड़ी नींद है आज हम भी हैं आप भी हैं आप भी माशा सैर सैर घूम रहे हैं कवरेज कर रहे हैं दे आर पेइंग यू आप वहाँ पे एज ए एम्प्लॉय सीनियर पोस्ट पे बहुत बड़े पोस्ट पे आ जाएंगे पर कर तो अपने बच्चों की अर्निंग के लिए रहें एट द एंड यही है तो अब वहां पे हुआ तो हिसाब किताब के मसला था फिर हमारे हाँ, अखबार वालों को ज़्यादा के बता दिया मारपीट हुआ झगड़ा हुआ, हाँ, तो होता ही गलत गनर तो कर भी नहीं सकता अगर गनर कर देगा तो उसको एक एक हिसाब तो फिर वो तो ऑफिशियली आ जाएगा वो तो आप अभी भी मान सकते हो मान सकते हो कि इनको अगर सौ दाने मिले थे तो निन्यानवे कहाँ गया और अगर वो चलाएगा तो हिसाब देगा और ऐसी कौन सी वो आ गई थी कला भाई जितने मुँह आप मुंह तो बंद नहीं कर सकते कितने भाई बहन आप लोग तो? हम हम परसनर, हम पर्सनल पर्सनल भाई एक बहन है छः भाई आप लोग जी और मैं अब कुछ घटनाओं का रुख करूंगा हाँ। जिसके बारे में कहा जाता है कानपुर शहर में चर्चा होती है कि अगर तीन बार के एमएलए हाजिरफान सोलंकी के ये भाई ना होते तो शायद ये घटना सामने ना आती बारी बारी आते हैं एक है रिजवान सोलंकी की घटना एक रेस्तरा में घुसकर एक बंदे को लपड़ लपड़ पीट दिया और पूछने पर कहा कि भैया हमारा ही भाई है कुछ अपना ही झगड़ा था बात नहीं मान रहा था समझाने के लिए मारना जरूरी है क्या है घटना सी सी टीवी नहीं नहीं है मेरा बयान भी आया था उसके बाद मैंने इंटरव्यू भी दिया था बता दीजिए हमें भी हाँ। देखिए मेरी सगी बुआ का लड़का है सगी बुआ का घर पे नाराज घर से चला गया बात नहीं मानना बुआ की तो हम बड़े हैं आप भी बड़े हैं आपके जो बुआ के लड़के हैं जो आपसे उम्र में छोटे हैं अगर बुआ के साथ बुआ माँ का दर्जा रखती है बुआ मेरी सगे वालिद की बहन होती है तो हम परिवार के नाते हम उनको दाते भी उनको अगर मानना पड़ेगा तो मारेंगे अरे भाई ये तो अब चलिए आप बुआ की बात कर रहे हैं मैं अपनी एक कहानी बताता हूँ पहले दौर में आज से ज्यादा नहीं आप बीस पच्चीस साल पहले चले जाए आपका पड़ोसी आपको मार सकता था ये प्यार हुआ करता था समाज में अगर आप नीचे कहीं घूम रहे हो चाचा बाबा तो बहुत बार बार आपका मैं एक बार, अरे वो वाले पड़ोसी भी होते थे जो सिगरेट पीते हुए देख के घर पे बता देते थे बिल्कुल है। होते हैं, मेरे साथ हुआ मैं एक बार <laughs> स्कूल बंद करके पिक्चर देखने चला गया अपनी बात इत से वो बैठा था उसने मुझे वही मारा तो मैंने उससे ये नहीं कहा क्यों मारा मैंने भैया पापा को ना बताना हम जस्ट रिक्वेस्ट

आपका छोटा भाई है पूरा अधिकार है आपके बड़े भाई आपको दाद भी सकते हैं मेरे भी बड़े भाई है मेरे भी चाचा है अगर अल्लाह कर हम कोई गलती करें तो उनका पूरा अधिकार है मेरे भी सगे अगली घटना दिसंबर 2017 थाना क्षेत्र चकेरी एक जिम की घटना आपके भाई इमरान और फरहान कुछ लोगों के साथ गए और वहां से ये खबरें आती हैं आरोप लगता है आपके भाइयों पर कि वो एक जिम ट्रेनर से हफ्ता मांगने लगे आरोप है मैंने कहा ठीक है जी। और नहीं दिया गया तो अभद्रता की छेड़खानी की ये आरोप लगे वहाँ पर लॉकर में पचास हजार रुपए रखे हुए थे उसे लूट ले गए ये भी आरोप लगता है महिला ट्रेनर ने कहा आरोप लगाए कि जिम में मौजूद उस समय दूसरी महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई और भी लोगों के साथ अभद्रता हुई कांग्रेस के भी एक लीडर थे विधायक सुहेल अंसारी जब मामला थाने पहुंचा चकेरी थाने तो वो भी पहुंचे सुलह कराने आ, मामले को सुलटाने और मतलब कहा तो ये भी जाता है खबरों में इतना भी लिखा हुआ है आप चाहें तो क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि तेजाब डालने की भी धमकी दी गई सही क्या हुआ था देखिए भाई ऐसा है कि आप भी मासेला समझदार हैं जब कोई घटना होती है तो घटना को किस तरह से एक बड़ा रूप दिया जाए तो उसके लिए घटना दी गई अच्छा मेरे जो भाई फरहान और इमरान की आपने बात करी ये मेरे दोनों सगे भाई हैं। जी कोई दिनाई नहीं है कोई बात नहीं जिम आप भी मसल होंगे हम भी जाते साजिद की जिम है ना जी अच्छा, साजिद की जिम थी अच्छा हमें ओनर का नाम नहीं मालूम होगा साजिद की होगी तो वहां वो गए उस समय विधानसभा चल रही थी मैं विधानसभा में था तो यानी हमारा असेंबली चल रहा था मैं असेंबली में थे तो ये घटना ऐसी हुई कि शाम को समय का मसला था कोई उनके दोस्त और उसका जिम मेंबरशिप ले रखी थी उन्होंने तो जिम मेंबरशिप को लेके कोई ये था कि हम जिम नहीं करना वापस दे तो उसमें लूस तो घोने लगी और सी सी कैमरे में है अब पचास हजार रुपये लूते या चेन लूती ये तो आप कुछ भी कहें आदमी मानता ही है देखिए ऐसा है कि हर आदमी दौर ऐसा है कि घी में घी डालता है तेल में तेल डालता है घी में तेल में घी को ही नहीं डालता अब बाद में तो पचास हज़ार रुपये इज नॉट अ तो बिग अमाउंट और फिर लूटने की मनसा खैर फिर बात भी हुई साजिद भाई ने मुकदमा भी वापस लिया जैसा बता रहे हैं साजिद है तो उन्होंने मुकदमा भी वापस लिया बात भी ख़त्म हुई वो एक रस था जैसे बहुत सी सड़क पर चलते हैं एक रस एक्सीडेंट हो जाए थोड़ी देर एक दूसरे को आदमी घूरता भी है कहीं भी कभी गाली भी बद देता है पर दस पाँच किलोमीटर आगे जाने के बाद घटना खत्म होती है आदमी आगे बढ़े लाइफ गो ऑन तो जीवन आगे चल गया। साल पंद्रह कोई मेला लगा हुआ था सिद्धनाथ मंदिर को जाने वाली सड़क पे जी। और ये घटना आपके भाई फैजान से जुड़ी हुई है। जी आपके भाई हैं फैजान जी हैं फैजान भाई अपने लावल लश्कर के साथ पहुंचे तो ड्यूटी पर ट्रैफिक तैनात दरोगा जो थे ड्यूटी ट्रैफिक वाले, वाले देवेंद्र कुमार उन्होंने रोका साल दो हजार पंद्रह सरकार आपकी और देवेंद्र कुमार सिंह को खबरें हैं कि हड़काने लगे फैजान और फिर बात मारपीट तक उतर आई उनको पीटा गया ये आरोप लगते हैं और रिवॉल्वर छीन ली गई रिवॉल्वर छीनने की भी के भी आरोप लगते हैं ट्रैफिक दरोगा के पास रिवॉल्वर है नहीं है ये बात अलग है लेकिन ये खबरें चलती घटना का सही वर्जन क्या है देखिए ऐसा है कि ये मेला लगा हुआ था वहाँ पे एक मशहूर प्राचीन मंदिर है सिद्धनाथ घाट मंदिर जाजमू में ही है और वहीं पे सब तेंदियाँ भी हैं तेंद्री इलाका भी वही है जी जी घाट भी मशहूर घाट है बहुत से लोग वहाँ जाते हैं वो नो एंट्री जोन बनाया हुआ था भीड़ की जी नहीं पर उस समय, समय की घटना ऐसी है कि भाई अब आप सात साल पुरानी बात कर रहे हैं ठीक है सात साल में कितना लोग रास्ते डेवलप हो गए रास्ते खुल गए तो एक तरफ से जाना एक तरफ से आने वाली बात थी ये जो आप कह रहे हो छीना ये करा वो करा तो उनसे कहा गया जाने दिया जाए फिर बात हुई कप्तान साहब से बात तो आया गया मामला ये हुआ चलो बच्चे हैं मिस गायद हुआ ना तो रिवॉल्वर छीनी गई देखिए हम आपको एक बात बताएं माशा आप बहुत बड़े चैनल से हैं और लगभग मेरी उम्र के हैं हम छोटा भी नहीं कह सकते आपको बात नहीं, नहीं, नहीं बात, नहीं बात समझने वाली बात है हम समझाने वाली बात कर रहे हैं कि ये जो बातें हैं कि हमने रिवॉल्वर छीन ली रिवॉल्वर पुलिस की रिवॉल्वर छीनना बहुत बड़ी बात है पुलिसकर्मी आप मेरे गनर हैं किसी भी गनर हैं, वो आखिरी साँस तक अपने असले को बचाएगा वो उसके लिए दूसरी लाइफ है अगर बहुत से ऐसे घटना होते हैं जहाँ पुलिस पुलिसकर्मी की असले छीन जाते हैं एक तो वो नौकरी से भी जाते हैं फिर उनको सफाई देने वो एक उनके लिए उनकी लाइफलाइन है वो उसकी पोत भी करेंगे और अपनी जान बचाने के लिए उससे दूसरों में हमला भी कर सकते हैं ये उनके पास पावर है तो अब आदमी जितने वो उतनी बातें जो मैंने आपसे कही बात कि ये सारी बातें हैं फैत क्या होता है अच्छा हम हम ये कह रहे हैं अगर हम पुलिस वाले से अभी बहुत से अभी आप मेरे खुद पुलिस वालों मसले पूछेंगे मैं वो भी बताऊंगा तो अगर मैं पुलिस वाले से किसी से बदतमीजी करूंगा एक बदतमीजी हुई एक रिवॉल्वर रिवॉल्वर बहुत बड़ी बात कहना बहुत आसान है क्या ठीक है कहना बहुत आसान है कि मैंने किसी रोड छीन ली अरे भाई साहब वो इज इसबल ये बात है आरोप है कि कहा कि जानता नहीं है कौन है भाई साहब अरे, तो, अरे भाई साहब हमारी तो फैक्ट्री वही है वो चौकी इंचार्ज वही है बार बार किसी को थोड़ी ना बताया जाता है तो चौकी इंचार्ज में चौकी इंचार्ज है मेरे घर से आधा किलोमीटर दूर चौकी है वही हमारा घर भी है वही हमारी फैक्ट्री भी है तो हमें किसको जरूरत जरूर कि कि तो तो है आप की हाँ। आप हाँ। तो आपको, कहने का मतलब है हाँ। कि आपको आप, और आपके भाइयों को क्षेत्र में जाना जाता है नहीं जाना भी जाता है और हम लोग कोई आतंकी थोड़ी ना है कोई हम लोग ना है कि बहुबली टाइप के चल रहे हैं भाई हम जा रहे थे हमने कहा हमारी जाने दो उसने जाने दिया अब वो रूपरेखा जो भी ले लीजिए आप कुछ भी कहिए चलिए ठीक है, है मान लिया अब आपके भाई हैं सारे छोटे ही भाई होंगे सब, सब हम ही सबसे बड़े हैं पूरे खानदान में सबसे बड़े आप सबसे बड़े हैं सब छोटे भाई हैं समझाते समझाते नहीं है ये यार समझाते मतलब इतना गुस्से को लेकर चर्चा है घर में चर्चा होती है कि नहीं कि अरे यार इरफान भाई आएंगे तो मतलब नहीं समझाते मेरी वालदा ने कहा भी और उस दिन के बाद आप देखिए आपने फजान का फरहान का इमरान का रिजवान का नाम

सब कहानी अच्छी है विधायक जी के लिए कहानी इसलिए अच्छी है कि मेरी जो हमें जिताती है ना आ, उनको अमरीश पुरी स्वर्ग में जिगा उन्होंने पिक्चर रोल करे पर व्यक्तिगत इंसान कितने अच्छे थे आज भी लोग उनकी तारीफ करते रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है नहीं मैं अपने आप को अपने आप को एक इंसान की तरफ मानता मैं आपको रियल लाइफ और रियल लाइफ के बारे में बता रहा हूँ कि पिक्चर की कहानी कुछ और होती है और हकीकत कुछ और होता है अब वो जैसे चलान का था क्या एक आदमी का उस दिन इतफाक़ की बात है और मैं यकीन से कह सकता हूँ मेरी जगह आप होते हैं, तो शायद आप ना जाते बकरीद जो हमारे ईद बकरीद दो त्यौहार होते हैं तो बकरीद का तीसरा दिन था मैं मेरे चाचा के वहाँ हम सब लोग गए हुए थे एक पालती फैमिली प्रोग्राम था तो मैं खुद ही ड्राइव कर रहा था मेरी बीवी मेरे तीन बच्चे हैं दो बेटी एक बेटा है तो लेके मैं वापस जाजमऊ जा रहा था मतलब हमारा घर जाजमऊ और सिटी की बात है पेश बाग में तो एक का फोन आया कि भाई जी मेरी गाड़ी पकड़ के चलान कर रहा है मेरे पास सब कुछ है सिर्फ मास्क नहीं पहने वो हेलमेट भी है लाइसेंस भी है डी भी है सब कुछ है तो हमने अच्छा मेरी बात करा उसने चौकी इंचार्ज से मेरी बात कराई शायद अभिषेक नाम था एफ आव नोथ रॉन्ग शायद तो हमने यार छोड़ दे यार मास्क नहीं पहने पहन लेगा बच्चा है अच्छा वो भी इतवाद से फैमिली के साथ था उसने मैं नहीं छोड़ूंगा मैं योगी जी का रिश्तेदार मतलब तुम रिश्तेदार हो गए उसने कहा कि मैं योगी का रिश्तेदार हूँ पर जब आप वर्दी पहने हो तो यू आर पुलिस में अब अब आप पुलिस मैन हो वर्दी उतार दो फिर आप रिश्तेदारी करो चाहे जो करो पर जब आप वर्दी पहन के कहीं पर ड्यूटी कर रहे हो तो फिर आप पति अब जैसे तो हमने उससे फिर वो हद तक फिर मैं वहाँ पहुँचा

कि उनके पास पूरा पहुंचे, जो पहला वीडियो पहुंचा ये पहुंचा ये कि झगड़ा हुआ तो उन्होंने चलान का दिया हजार रुपए पहनने पे, फिर जब दूसरा वीडियो पहुंचा कि पुलिस वाले ने मुझे धक्का दिया और बदतमीजी करी तो फिर जब तक वो कहते हैं ना मुंह से निकली बात और तीन से निकला कमान वापस नहीं होता फिर हम लोगों ने आगे निकले अब वो आजमी को लेकर खड़े थे

आपको मालूम है आपको तो एक अलग से एपिसोड बनाना चाहिए और मैं चाहूंगा भी भले चुनाव के बाद बनाइएगा ये पुलिस वालों पे ये जो चलान करते हैं ये कितने सही है कितने गलत है और क्या कभी है? हमने हम आपको देंगे भी मेरे पास हमने आई से मांगा भी है कि अब तक पिछले एक साल में पुलिस वालों के कितने चलान हुए क्या कभी आपने देखा पुलिस वाले तिफलिंग चलान चलते हैं तिफलिंग गाड़ी में चलिए आपने फोटो ही देख लिया नहीं देखा होगा कि क्या कभी उनका चलान हुआ है

इसी थी, थी। तो शैतानी तो नहीं होगी तो फिर हमने उनसे कहा पुलिस वालों से कि जब आप ही बीजेपी की गाड़ियाँ जा रही हैं आप उनके फोटो नहीं खींच के चलान कर रहे हो आप भाई फोटो खींच लिया आपने आप अपनी मर्जी से चलान कर दिया चलान कर दिया अभी मेरा एक चलान होगा पाँच सौ रुपए का तो अभी मेरी गाड़ी का नकल होगा फ्राइडेह का दिन था हम नमाज पढ़ने शहीद पद आपका जाना होगा आपने देखा होगा शहीद पद के दोनों वो सर्विस रोड है जी। और सर्विस रोड का मतलब है, कि एक से से जा सकता है वो सर्विस रोड है फोटो खींचा बाहर से उसने मेरा चलान भेज दिया वो होगा अभी आप कहोगे तो आपको दिखा भी देंगे तो वो तो अब चलान खींच खींच के तो हमने कहा तुम यार सभा की गाड़ी जा रही है तुम बहुत खराब कर रहे हो तुमने फोटो खींच लिये है तुम बाद में जाके फोटो भेज दोगे चलान आ जाएगा ना अच्छा मजे वाली बात ये है कि आपके जो चलान आते हैं अगर आपका भी आए हो या आपने उसको कवर करना मेरे भाई और मेरी पर्सनल बताइए बताइए उनके पास जो चलान आते हैं कभी उसमें ये बस ये बता गया कि गाड़ी खींची ये नंबर है आपका चलान हो गया आपका ऐसे जमा भाई गाड़ी मेरी कहाँ खड़ी या तो आप दस सेकेंड का वीडियो बनाइए उसके साथ एक वीडियो क्लिप बनाइए कि दस सेकेंड देखिए आप ये नौ इंची से आ रहे हैं इसलिए आपका चालान चलान ये आपने रेदायत तोड़ी इसलिए आपने खड़ी गाड़ी का फोटो खींची और बता दिया आप रेदायत पे आपने नहीं, नहीं ये है मिसले। तो उस समय मेरी उनसे लड़ाई हमने अभी ये और उसी समय बीजेपी के आला अधिकारी नेता लोग आ जा रहे हैं आप उनका नहीं खींच रहे हो मेरे समाजवादी पार्टी के लोगों को फोटो खींच भैया मैं उनका लीडर हूँ तो मेरा फर्ज है मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा जी फरवरी दो और इस दिन इस महीने जो हुआ ये इस देश का सबसे बड़ा डॉक्टरों का आंदोलन देश सबसे के सबसे बड़े डॉक्टरों के आंदोलन में से एक हुआ और कहा जाता है कि उसके मुख्य जो कल्प्रिट थे हाजी इरफान सोलंकी थे जी आ, एक मोटर एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट की घटना थी घटना क्या थी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट की आप बताएं फिर पूरी बात एक रोड एक्सीडेंट की घटना थी जिसको लेकर आपके समर्थकों और गनर ने हैलेट अस्पताल और मेडिकल कॉलेज वहाँ पे एक डॉक्टर को पीट दिया सरकार आपकी एसएसपी यशस्वी यादव उसके बाद एसएसपी यादव एसएसपी एस यशस्वी यादव सपा समर्थक कुछ गुंडे और पुलिस की टीम घुस गई हॉस्टल में खबरें छपी हैं ये बताती हैं कि छात्रों को पीटा गया मतलब सिर्फ़ पुलिस ने नहीं पीटा समाजवादी पार्टी के समर्थक और नेता घुसे थे और जो कुछ गुंडे भी शायद साथ में होंगे या नहीं होंगे आ, वो भी घुसे उन्होंने भी पीटा 24 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया और हाजी इरफान सोलंकी और उनके साथ के लोगों पर एक भी खरोंच नहीं आई उन्हें किसी को अप्रिहेंड नहीं किया गया किसी पर कोई मुकदमे दर्ज नहीं हुए और उसके बाद पूरे राज्य भर में कई सारे बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेज सारे बंद हुए हिंसा की जो तस्वीरें मतलब उस समय तो मीडिया कम से कम इतना ही इतना अवेलेबल तो था लोगों को कि तस्वीरें फ़ोटो वीडियो आज भी अवेलेबल हैं लोगों के पास एक छात्र की कमर की हड्डी टूटी थी कई लोगों के हाथ पैर टूट गए थे उसमें हॉस्टल में पुलिस घुसी थी तो टेबल तोड़े गए थे लैपटॉप लैंप तोड़े गए थे मेडिकल कोर्सेस की किताबें फाड़ दी गई थी फट गई थी पिटाई से 24 छात्र उनको उनको छोड़ने के लिए 300 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया और फिर आपने भी बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप एक वृद्ध को लेकर पहुंचे और आपने कहा कि जूनियर डॉक्टरों ने इनको पीटा था और आपके भी हाथ में बैंडेज बंधा हुआ हुआ था क्या हुआ था क्या आपका वर्जन क्या है <coughs> देखिए पहले बात सरकारी अस्पताल कभी जाना हुआ आपका बहुत बार बहुत बार हम उम्मीद करते हैं आप सच का साथ देंगे सच वो सच होता है कि जिसको आदमी सुनता भी है और सुनना चाहता भी है आज बहुत तमाम गोदी मीडिया के नाम से बहुत से पत्रकार फेमस हैं पर उसी भीड़ में उसी भीड़ में बहुत से अच्छे पत्रकार भी मौजूद हैं जिनको लोग सुनना चाहते हैं जिनको अप्रिसिएट करते हैं बहुत से लोग हैं जो आज भी पत्रकारिता के वजूद को जिंदा रखे हुए हैं भले उनको कोई कुछ भी कहे इस तमहत अट्ठाईस फरवरी का दिन 2013. 2013, 2013, उस समय हुआ ऐसा कि शाम के, के छ बज रहे थे हैलट का पुल जो उतरते ही एक रॉयल सर्जन की दुकान है मेरी थोड़ी सांस फूलती है आपकी जी कभी जैसे मौसम बदलता है उस समय फरवरी सर्दी का दिन था तो एक बलून आता है जिसको आप फूंकने के लिए एक्सरसाइज करने के लिए ठीक है वो लेने के लिए मैं वहाँ उतरा था एक एक चीज हकीकत के साथ मैं बता रहा हूं ठीक है मेरे पास उस समय एसयूवी गाड़ी थी एसयूवी गाड़ी में अगर आपको फोर्ड होती है पीछे फिर दिग्गी में आदमी बैठता है सफारी में क्या? पीछे से खोलो जाता काका देव से हम आ रहे थे तो उतरते पहली दुकान मिली तो हमने वो ले जाएगी हम दुकान के अंदर मौजूद थे मेरे यूट्यूब पे वीडियो पर आई है अब चेक करना मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है तो मैं दुकान के अंदर चला गया मैं हमारे तमाम साथी वहाँ दुकान के अंदर उसको खरीद रहे थे सरदार सरदार जी की दुकान थी मैं उसको खरीद रहा था तो अचानक बाहर देखा शोरगुल हो रहा है शीशे का फ्रेम आप दुकान पे जाइएगा जरूर इसमें पर्सनल रिक्वेस्ट ठीक है आप वहाँ जाइएगा तो बाहर मैंने देखा कुछ लोग लड़ रहे हैं अब जैसे अभी हम आप हैं हम लोग जीन्स पहनते हैं कोदोत पहनते हैं तो ऐसा लगता है वी आर फ्रॉम द सिटी हम लोग इस शहर से हैं अब अगर आप हम लोग ग्रामीण चलेंगे गाँव में चलेंगे तो वहाँ का जो रिवाज है जो कपड़े हैं जैसे राजस्थान के लोग धोती धोती पहनते तो ये समझ में आता ये आदमी जो है गाँव से है मतलब एक बात बता रहे हैं पंजाबी होंगे सरदार तो सरदार जी पगड़ी पहनेंगे आप ईजी उनको है तो मुझे लगा ये क्योंकि हेलत सरकारी अस्पताल है वहाँ पे अमूमन गाँव देहात के लोग ज़्यादा आते हैं जो उस हिसाब से तो हमने ये कई गाँव का आदमी है इसको लोग परेशान कर रहे हैं एक बुजुर्ग थे उनके साथ उनकी बेटी थी वहाँ उनके जूनियर दफ्तर उनसे बचे मैंने अपने गनरों को भेजा हमने जाओ जाके इनको छुड़ाने का काम करो तो सवाल के जवाब में थोड़ा सा व्यवधान हुआ व्यवधान भी नहीं कह सकते वो ज़रूरत है वो जिम्मेदारी है अजान सुनाई दी तो हमने रोकने का सोचा उसके बाद धूप धीरे धीरे आते आते हमारे चेहरों पे पड़ने लगी और नाश्ता वाश्ता एक ब्रेक लिया गया मोहन जी जो कैमरे के पीछे हैं उनका ब्रेक अभी भी चल ही रहा है और हैलेट हॉस्पिटल की घटना पर आपका जवाब जी तो वो उन्होंने वहाँ पे एक राहगीर को मारा मैंने अपने गनर को भेजा गनर उनको समझाया क्योंकि आप हेलत में थे लड़कों में जोश था लड़कों ने बदतमीजी करनी चाहिए तो एक इंसिडेंट होते होते उसको इतना बड़ा रूप दे दिया अच्छा अब सोने पर सुहागा क्या हुआ कि उस समय मोदी जी की सरकार नहीं थी जो आपने चौदह कहा तो इसलिए मैंने बात आपकी उसको तेरा कि इस इस पूरी घटना को आग में घी का काम बीजेपी वालों सरकारी अस्पताल में हुआ, हुआ। मैंने भी कहा था हाँ। जी याद आया होगा आज दिन आप अखबार में पढ़ते होंगे तिमारदारों को सरकारी जूनियर दफ्तरों जूनियर दफ्तर शब्द पे गौर करिए जूनियर दफ्तर दे आर दिन New running kids. जो छोटे भाई की तरह आप कह सकते तो अभी आपने बहुत लंबी छोटे भाइयों की परी। कसीदे पर दी उनकी में। शान में छोटे मतलब नहीं, 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 भाई की तो तरह वो आए हैं प्रैक्टिस करते कर, मैन परफेक्ट कभी आपने ये नहीं सुना होगा सीनियर डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टर ने झगड़े करे बिकॉज़ उनकी मैं 2007 में विधायक बना पहली बार मौका मिला विधायक बन गया विधायक की गरिमा विधायक का पावर धीरे-धीरे धीरे समझते समझते आए घटना हो जाती थी उस समय भी नहीं समझ पाते थे विधायक की क्या गरिमा है ऐसा नहीं है कि हम विधायक बन गए तो हम सतीबान बन गए बहुत फर्क है पर धीरे-धीरे धीरे तो दुनिया दत्तों से हुआ फिर ये हुआ फिर आत... आग में घी डालने का और जो घटना थी जो आपने कहा एक बुजुर्ग को लेके आया वो घटना उन्हीं की थी अगर वो कारपेट होता है यानी एक बनावटी किरदार होता है होता, तो झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है। सच परेशान हो सकता है, पर पराजित नहीं मेरे ऊपर ऐसा आई टी की थी अखिलेश जी नहीं बता ली देखिए अखिलेश यादव जी मर्द मुजाहिद इतना हर चीज आईने की तरह साफ करते हुए पानी की तरह उन्होंने मेरे ऊपर भी ऐसाई टी बता ली मेरे भी सवाल जवाब हुए एसएसपी यादव के खिलाफ भी जांच हुई सबके हुआ आज मामला खत्म हो गया अभी फिर से मेरा सवाल लेकिन टिका हुआ है कि क्या आपने आपके समर्थकों ने यूपी पुलिस की मौजूदगी में एसएसपी यशस्वी यादव की मौजूदगी में फोर्स की मौजूदगी में जिसके बारे में कहा यह भी जाता है कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से और सीएमएस से परमिशन नहीं ली तमाम चीज़ों कार्रवाई को अंजाम देने पहले वो लोग हॉस्टल में घुसे थे छात्रों को पीटा गया था क्या हुई थी घटना मैं ये जानना चाहता हूँ आपका वर्जन जो है उस पर सवाल तो अलग है देखिए ऐसा था महाराष्ट्र सरकार इस समय जो हमारे उदयराज ठाकरे जी हैं शायद वहां पे सीएम साहब महाराष्ट्र में उदयराज महाराष्ट्र जी, जी, सरकार, सरकार में उदयराज उदय जी हैं ठाकरे साहब है के सीएम साहब ठाकरे जी उससे पहले साहब थे सरकार नहीं बन पा रही थी राष्ट्रपति शासन लग गया बहुत अच्छा सवाल है आपको बहुत अच्छा लगे सुनने में राष्ट्रपति शासन लग गया राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए पीएमओ राष्ट्रपति जी को मैसेज देता है कि यहाँ पे अब सरकार बनी आप हटा लीजिए सुबह छः बजे छ बजे कब उन्होंने राष्ट्रपति शासन हटाने की मांग करी होगी और ये वो क्या उन्होंने छः बजे उनको शपथ करा दी फर्नानदी साहब को फिर फ्लोर पे आए फिर हुआ नहीं हुआ फिर तो साहब को करें हाँ। जी उनको आपने सीएम की शपथ दिला दी और उप सी बना दिया अजीत पवार को इतनी चीजें तेज होती है कभी कभी आपको जो आपने सवाल करा ना परमिशन नहीं ली और ये नहीं करा वो तो मेरा एक बहुत बड़ा उदाहरण हमने आपको दिया है आप अगर कंपैरिजन करेंगे ऐसे ही मुझे याद है स्वर्गवासी हो गए हमारी यहाँ तमिलनाडु की जयललिता जी मुख्यमंत्री थी करुणा निधि और उस समय शायद गृह मंत्री थे कांग्रेस सरकार में अब नाम तो मैं भूल रहा हूँ रात में 12 बजे उनको उठा लिया गया था तो नाम हमें याद नहीं आ रहा कोई बात, बात नहीं आ, मैं हम लोग बहुत राज्यों के रेफरेंस में पढ़ के नहीं नहीं आपने कहा परमिशन नहीं ली परमिशन नहीं ली मान लीजिए वो प्रशासनिक कार्रवाई वो अपनी गाइडलाइन के उल्लंघन में उन पे कार्रवाई होगी ठीक है हो भी होगी क्या हाजी इरफान सोलंकी उनके समर्थक उनके साथ में काम करने वाले लोग हॉस्टल में घुसे थे बिल्कुल एक वीडियो आप मेरा दिखा दीजिए आपके समर्थक गए थे एक वीडियो दिखा दीजिए समर्थक आप एक नहीं गए समर्थक दीजिए एक वीडियो दिखा दीजिए आप आप अपने ललन ताप पे दिखा दीजिएगा चलिए देखिए जी ने कहा गलत बात कही ये आप खंडन कर रहे हैं अब एक सवाल ये भी है कि जिस आप आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें आप उस वृद्ध को लेकर गए थे आपने कहा था कि मुझे भी चोटें आई हैं जी आई आपको बैंडेज बंधा हुआ था बिल्कुल बंधा था लेकिन एक न्यूज चैनल से बातचीत में आपने आपको दिखाया गया कि आपने आपसे पूछा गया कि आप चोट कहाँ लगी है तो ना आप टाका तो दिखा सके क्यों दिखा, टांका क्यों क्यों दिखा सके, ना आप पे ना आप वही था अरे भाई ये नहीं कर रहा हूँ हाथ पे ही चोट आई थी अच्छा उदाहरण उदाहरण से बता रहा हूँ और ना आप बैंडेज दिखा सके ना आप वहाँ पे शेव किया जो टांका लगाने पहले की नहीं, ना टाका दिखा सके नाव हेड दिखा सके आपको फोटो दिखा सकते हैं उस समय उस समय का उस समय का उस समय उसने बच्चे ने क्या करा एक, एक स्टैंड पोर्ट रखा जो दुकानों के बाहर जो सड़क पे दो बाई तीन का लगाते हैं ना कि ये मेडिकल तो उसने वो उठा के मेरे मारा तो मेरे सर पे यहाँ लग गया जिससे मेरे हाथ पे अब भाई है फोटो है जिसमें मेरे हाथ पे खून आ गया तो मैं गया उसमें टीका लगा दिया तो वो ज्यादा गहरा नहीं था उसे बैंडेज मारने बात खत्म हो गई तो हिंसा किसने की थी उस दिन आपके शहर की घटना है दत्त उन्होंने करी थी एस आई टी उन्होंने बताया ये एक रोध रस्ता मेरा तो कोई झगड़ा भी नहीं था

वो भी उसमें आ गई थी उन्होंने इस हड़ताल का समर्थन किया था जो 24 डॉक्टर जेल में थे उन्होंने कहा कि जब तक हाजी इरफान सोलंकी पे एफ नहीं होती है एस एस पी यादव को सस्पेंड नहीं किया जाता है तब तक हम बेल के लिए एप्लीकेशन भी फ़ाइल नहीं करेंगे और उस पूरे हड़ताल के वक्फे में जितने लोग इलाज की चाह में मारे गए जिनकी मौत हो गई उनसे लोग बोलते हैं पूछेगा इरफान सोलंकी से क्या वो ख़ुद को अपना गुनागार मानते हैं क्या अखिलेश सरकार में जो नई एकदम नेसेंट सरकार थी आए एक डेढ़ साल हुए थे अभी समझा ही जा रहा था सुबह को चलाया ही जा रहा था मुलायम सिंह यादव को हस्तक्षेप करना पड़ा था आ, मतलब ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव से बात नहीं, नहीं समझली तो मुलायम सिंह यादव को हस्तक्षेप करना था पड़ा पूरे मसले में आ, क्या इरफान सोलंकी मोमेंट को संभाल नहीं पाए थे क्या वो गुनागार हैं इतनी, देखी, इतनी मौतों है, इतनी, बड़ी हिंसा के ऐसा, इतने बड़े एपिसोड के? है कि खामा खां का दबाव जूनियर डॉक्टरों ने बनाया अपने ऐप को छुपाने के लिए उन्होंने सीनियरों को खामा खां बीच में डाला जब सीनियरों को पता चला अब तो बात गलत हो गई है अपराधी कोई और थे और अपराध किसी और पर लगाया जा रहा है उन्होंने भी बात मानी देखिए हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी गलत का पैरवी हो जाती है तो यही सीनियर दातों ने बाद में एहसास करा वो सब लोते और आज अलहमदिल्ला हमारा प्रदेश और शहर बहुत अच्छा चल रहा है प्रदेश अच्छा चल रहा है हाँ। योगी जी की सरकार है नहीं नहीं योगी जी से नहीं मुराद है hum, हम हमारे उस समय की बात कर रहे हैं आपने उस समय की घटना की बात कर रहे। अब अभी की बात करें उस समय की बात कर रहे हैं हम तो उस समय की बात कर, कर, कर रहे हैं आपने कहा अच्छा चल रहा है तो मुझे लगा आपसे पूछ लें योगी जी जी और मोदी के बारे में क्या सोचते हैं कितना योगी जी चला रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि आप पर सवाल उठते रहे लॉ एंड ऑर्डर का वो बोलते हैं कि हमने सुधार दिया सुधार दिया सुधार दिया बहुत अच्छा सवाल आपने यही सुधार दिया के हाथरस की बेटी के साथ वो कान शायद भूल गए होंगे

तो हमने ये बताया अब कानपुर की घटना हुई फिर आपको कानपुर में एन वाले घटना याद हुई होंगी फिर आपको एक लड़का जिसकी आज भी सर... संजीत यादव ऐसे ही नाम है वो बच्चे का जिसको पुलिस ने संजीव यादव उसका अपहरण हुआ पुलिस के द्वारा उसका पूरा फिल्म बनाई गई बीस लाख रुपए दिला भी दिए पैसा भी चला गया लड़के को आज तक पता भी नहीं चला भूल गए होंगे जी जी

और न्याय मिले उनके परिवार वालों को बहुत से लोग है अब बताइए यही पुलिस वाले अपने अधिकारियों की मुखबरी करते हैं यही पुलिस वाले तो थे जो चौबेपुर की घटना घटना कांड की 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 बात जी बिल्कुल चौबेपुर जो हुई तो उनके ही तो अधिकारियों ने अपने बॉस मुखबरी दी यानी साहब की मुखबरी करी जो जेल में है वो ठीक है न्याय मिलेगा उनके परिवारों को अच्छी बात है मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है पर घर के वेदी ने लंका धा दी अपने सीनियर अधिकारियों की मुखबरी करी आज अगर मुखबरी ना होती तो शायद आज हमारे साहब मौजूद होते और अपने परिवार पे अपने पिताजी के तरह आशीर्वाद परिवार को आगे बढ़ाते आप ये बात नहीं करें करे सरकार में ये हुआ आपने मेरे पूरे कसीदे पर दिए अच्छी बात है वो कोई हमें पर नहीं तो नहीं मैं आप आप अगर बीजेपी के विधायक होते है अगर आप बीजेपी सरकार में मंत्री होते तो मैं सवाल जरूर पूछता जी पूछिए आप लेकिन आपकी सपा के विधायक नहीं नहीं सपा से बुरा मैं विधानसभा का सदस्य हूँ अब विधायक नहीं अब हम विधानसभा का सदस्य हूँ एकदम अब पूरा उत्तर प्रदेश में सारी घटना मुझसे जुड़ी है एकदम आप कोई बाउंड नहीं कि ये की ये सीशा की रूपरेखा अब इसी में आप पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी मुद्दे पे बोल सकते हैं सवाल उठा सकते हैं और सरकार का पूरा अधिकार है आपको जवाब देने एक दम, का एकदम एक भाई मैंने इसीलिए सवाल आपसे पूछा जी जी की आपने कहा ना मैंने पूछा कि लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार बिल्कुल आपका क्या सोचना है दूसरी बात ऐसा है की आज जो दौर चल रहा है आप भी हैं माशा बहुत सारी चीज़ें हैं और जनता परेशान किसानों का आंदोलन भूल गए क्या आप साढ़े सात सौ लोग इस दुनिया से चले गए यही बीजेपी सरकार है और आज किसानों ने तो विरोध कर दिया बैनर लगा दिए हम बीजेपी वाले घुस नहीं सकते भूला कोई कुछ नहीं है जिसके साथ गलत होगा वो भूलेगा नहीं जिसके साथ अच्छा होगा वो एप्रिशियेट करने से बाज नहीं आएगा हमने अगर लोगों के साथ विधानसभा में अच्छे काम करे इसीलिए तो मोदी शाह माफ़ करिएगा अमित शाह जैसे लोग हम गृह मंत्री इस बहुत बड़ा नाम है अमित शाह साहब का मतलब भारत की जान है और वो आपकी विधानसभा दो किलोमीटर पैदल चल रहे हैं तो ऊपर वाले का ऐसा ना मैं बधाई देता हूँ मेरी सीसम विधानसभा की जनता को कि उन्होंने मेरा कद को इतना बढ़ाया कि अमित शाह प्रियंका गांधी ओसी साहब जैसे लोग आके आपकी विधानसभा में आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं अच्छा आखिरी सवाल आप पर खुद पर इतने मुकदमे हैं इतनी संगीन धाराओं में घर परिवार पर आपके सवाल उठे हैं मेरे कौन से मुकदमे? जो अस्पताल वाला है एक समय का एक में रहे। तो लोग है कि भैया पूछते हैं कि सरकार आ गई मान लीजिए अखिलेश यादव की सरकार चुनाव जीत जाते हैं तो क्या ऐसे नेताओं के भरोसे यूपी की कानून व्यवस्था छोड़ी जाएगी तो कैसे नेताओं के खिलाफ जो जनता की आवाज भी ना बने जो जनता के दुख में भी शामिल ना हो जो वोट लेने भूल जाए कि मेरी जनता तकलीफ में भूल जाए अपने घर पर बैठ जाए अगर जनता के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके बिजली का बिल अगर आ रहा तो है तो जाके माफ ना कराए तो फिर विधायक हमें क्यों चुना जनता ने इसलिए कि हम घर पे बैठे रहे अगर किसी का चरान निर्दोष पुलिस का आ तो मैं ना बोलूँ फिर कौन आएगा कोई कल्लू आएगा बोलने कोई मल्लू आएगा बोलने जनता ने मुझे एक एक घंटा दो दो घंटे लाइन में लग के वोट दिया इसी दिन के लिए दिया जब मेरे साथ अत्याचार होगा तो मेरा विधायक मेरे सामने धार बन के खड़ा होकर मेरी हिफाजत करेगा चलिए तो चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इरफान जी इस पूरी बातचीत में बहुत सारी बातें हैं हाजी इरफान सोलंकी उनके भाई जो इनके पांच भाई हैं इनमें से चार के नाम हमने इन घटनाओं में जो लिए हैं उन पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की जिसपे उन्होंने घटनाओं से तो नकारा नहीं अपने अपने वर्जन उन्होंने जरूर सुनाए हैं इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है आप सभी समझदार दर्शक हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा लल्लन टॉप देखते रहिएगा धन्यवाद धन्यवाद